नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी भारत के स्वर्णिम अध्याय की, जिसे दुनिया नालंदा के नाम से जानती है। आज बिहार की धरती पर नालंदा में एक नए युग का आगाज हुआ है। सदियों बाद आज नालंदा में नए दौर का शंखनाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। पांचवीं सदी में स्थापित होने के बाद से अगली कई सदियों तक हमारे नालंदा को दुनिया में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। आज जिस तरह दुनिया के नामचीन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, कभी इसी तरह नालंदा में दाखिले का इंतजार दुनिया भर के स्कॉलर्स किया करते थे। आज नालंदा की उसी विरासत को नया आयाम मिला है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। भारत का स्वर्णिम गौरव विश्व पटल पर छाएगा, दुनिया में नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। पूरी आठ सदी बाद आज देश के गौरवशाली विरासत के अध्याय को एक नया जीवन मिला है। पूरी आठ सदी बाद आज बिहार की धरती पर नया इतिहास लिखा गया है। जिस शहर से कभी ज्ञान की गंगा बहा करती थी, वो फिर ज्ञान का उद्गम स्थल बनने को तैयार है। शिक्षा के जिस तीर्थ को कभी बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था, आज वो राख से फिर खड़ा हो चुका है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का सपना नालंदा का नया युग बनकर साकार हो चुका है। आज देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ है। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी थी। अब 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। राजगीर की पहाड़ियों के पास 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक करीब 800 साल तक ये शिक्षा का केंद्र बना रहा। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। शताब्दियों तक चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के विद्वानों को ये परिसर आकर्षित करता रहा। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा,
अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है। इतिहास में भी जिक्र मिलता है कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि तब इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि 3 महीने तक आग धधकती रही थी। 12वीं सदी तक नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में देश के ही नहीं विदेशों से भी अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। जापान, चीन, कोरिया जैसे देशों से छात्रों का यहाँ आना और यहाँ शिक्षा ग्रहण करना ये बताता था कि नालंदा की विरासत कितनी खास थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो खास बात कही जाती है वो ये कि यहाँ 9 मंजिली एक लाइब्रेरी थी जिसमें लाखों किताबें थीं और बख्तियार खिलजी ने जब इस विश्वविद्यालय को खत्म करने के आदेश दिए और पुस्तकालय में आग लगाई गई तो उन किताबों को जलने में 3 महीने लग गए जिन्होंने कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को अपने में समेटे रखा था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। बता दें कि यहाँ इन दिनों नजर आने वाली 23 हेक्टेयर की साइट मूल यूनिवर्सिटी परिसर का एक हिस्सा भर है, लेकिन इस हिस्से में मठों और मंदिरों के अवशेषों को देखकर ये महसूस होता है यहाँ कितना कुछ सीखने को रहा होगा। शायद नालंदा की इसी ऊर्जा ने डॉक्टर कलाम को इतिहास की इस धरोहर की ओर आकर्षित किया था। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। 12वीं सदी में जो नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास बन गया उसे फिर से पुनर्जीवित करने का सपना सबसे पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने देखा। APJ अब्दुल कलाम बिहार दौरे पर आए थे और बिहार विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने नालंदा के पुराने गौरव को वापस लाने की बात कही थी। नीतीश कुमार ने कलाम साहब की बात पर अमल किया। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर नालंदा के पुराने दौर को और गौरव को वापस लाने की कोशिशें शुरू की। आज ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ किया है। अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में 25 नवंबर 2010 को स्थापित की गई। नए विश्वविद्यालय ने 2014 में 14 छात्रों के साथ एक अस्थायी स्थान से काम करना भी शुरू किया। नालंदा के नए बने परिसर का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। भारत के अलावा इस नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया के 17 देशों की भागीदारी है। इन सभी देशों के राजदूत आज उद्घाटन समारोह में मौजूद भी रहे। नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। बिहार की धरती पर चमचमाते नालंदा के स्वरूप को देखकर फिलहाल तो यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में नया नालंदा भारत के पुराने गौरव को वापस लाने में अहम भूमिका निभाएगा। नालंदा से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज उद्घाटन समारोह के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरा कार्यकाल शुरू होने के 10 दिनों के भीतर नालंदा के इस अवसर का आना देश की विकास यात्रा के लिए एक शुभ संकेत है। आखिर क्यों नालंदा इतना खास है, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत में नालंदा की क्या जगह है, ये जानने के लिए इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। नालंदा की कहानी में एक तरफ ज्ञान और समृद्धशाली संस्कृति से सींचा गया स्वर्णिम दौर भी है तो वहीं दूसरी तरफ धधकते आक्रोश और विध्वंस की विनाश लीला भी है। आइए आपको सुनाते हैं नालंदा के बनने, उजड़ने और फिर से बसने की पूरी कहानी।
गौरवशाली नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर साल 2024 में देश दुनिया के सामने आया। वो पुरातन विश्वविद्यालय कभी हिंदुस्तान का नहीं बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र रहा था, और अब लंबे इंतजार के बाद ये फिर से अपने पुराने और स्वर्णिम गौरव को पा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना गया है, जहां छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहा करते थे। वैसे तो नालंदा विश्वविद्यालय के बसने, उजड़ने और फिर बसने की करीब 1600 साल पुरानी कहानी है, लेकिन देश दुनिया में प्रसिद्ध इस शिक्षण केंद्र की स्थापना कभी 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी संरक्षित रखा। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें थी। यही नहीं, उस दौर में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,700 से ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा यानी बुद्धि के आधार पर होता था, और इनके लिए शिक्षा, रहना खाना निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने केवल भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से भी छात्र आया करते थे। इतिहास के पन्नों में नालंदा विश्वविद्यालय बनने के पीछे बौद्ध विहारों की स्थापना रहा, जिसके तहत सम्राट अशोक ने कई स्कूल महाविद्यालय बनवाए। जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय हुआ करते थे, महाविहार हुआ करते थे, वहां तालाबे उसकी पहचान होती थी, इसलिए कि पानी पीने के जो साधन थे वो तालाब ही होते थे। और ये प्रचलन राजा अशोक के समय से चला आ रहा था। अशोक ने यहाँ पर ढेरों विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल बनवाया था, जिसको बौद्ध विहार कहते थे, और उन्हीं बौद्ध विहारों में नालंदा का भी नाम आता है। इसलिए कि भगवान बुद्ध जहां जहां रुकते थे या जिस क्षेत्र का वर्णन या स्थान का वर्णन बुद्ध के दर्शन में आया है, वहां वहां अशोक ने बौद्ध स्तंभ लगवाया था, स्तूप बनवाया था और बौद्ध विहार बनाया था। दिन, साल और देखते ही देखते दशक बीतते गए। देसी विदेशी छात्रों और शिक्षकों को नालंदा आकर्षित करता रहा, मगर फिर एक ऐसा दौर आया जब इस ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र पर विदेशी आक्रमणकारियों की बुरी नजर पड़ी। साल 1193 में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने हमला कर नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। विश्वविद्यालय परिसर और खासकर इसकी लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें रखी किताबें हफ्तों तक जलती सुलगती रही। बख्तियार खिलजी के बारे में नहीं बल्कि उसने लिखा है कि जब वो यहाँ आया था तो उदंतपुरी में तुर्क सैनिकों का एक कमांडर रहता था और वो यहाँ की देखरेख कर रहा था, इतनी ही से वो सूचना देता है। फिलहाल तो डॉक्टर कलाम के सपनों के नालंदा विश्वविद्यालय ने अब फिर से अपने समृद्धशाली इतिहास को संजोना शुरू किया है, जिसका वैभवशाली इतिहास और शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर के रूप में है। नालंदा से रंजीत कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नालंदा का नया स्वरूप बनाने में दुनिया के कई देशों ने भारत का साथ दिया है। इसे बनाते वक्त जहां एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि नए कैंपस की वास्तुकला और भौगोलिक सेंटिंग प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से मेल भी खाए। आइए आपको दिखाते हैं कितना खास है नालंदा का नया कैंपस। अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी, और जब मैं दुनिया को लेकर वो कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है और प्राप्त तो अभी करके रहना।
वर्तमान के धरातल पर उजले भविष्य की इमारत खड़ी करनी हो तो प्रेरणा लेने के लिए गौरवशाली इतिहास के गलियारों से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी जब नालंदा के नए युग का सूत्रपात करने बिहार पहुंचे, तो नए के स्वागत के साथ पुराने को नमन करना नहीं भूले। साल 2007 में हुई ईस्ट एशिया समिट में पहली बार नालंदा यूनिवर्सिटी के सपने को साकार करने की योजना बनाई गई थी। कई एशियाई देशों की एक्टिव पार्टनरशिप के साथ भारत ने आज अपने इस सपने को पूरा भी कर लिया है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। नालंदा के खंडहरों से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यूनिवर्सिटी का नया कैंपस पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मॉडर्न आर्किटेक्ट और नए दौर की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस शानदार कैंपस को तैयार किया गया है। खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस को डिजाइन करते समय कैंपस के कुल क्षेत्रफल में से केवल 8% हिस्सा ही बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की वास्तुकला और भौगोलिक सेटिंग से मेल खाता हुआ कैंपस तैयार किया जा सके। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 455 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अलावा टीचर्स और छात्रों के रहने के क्वार्टर्स, लेबोरेटरीज और विशाल लाइब्रेरी बनाए गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 7,500 शिक्षक और छात्र रह सकते हैं। नए कैंपस में कई सुविधाओं वाला इंटरनेशनल सेंटर, फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। पूरा का पूरा कैंपस नेट जीरो ग्रीन है, जिसमें सोलर प्लांट की मदद से बिजली और पानी की सप्लाई होगी। यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने के बाद अब तक पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट स्टूडेंट्स के लिए यहां 6 स्कूल डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इनमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, हिस्टोरिकल स्टडीज, बौद्धिस्ट स्टडीज, फिलोसफी एंड कंपेरेटिव रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट शामिल हैं। इसके अलावा 2 डिपार्टमेंट इस एकेडमिक सेशन से शुरू होने वाले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया के देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज हब बनाने की दिशा में भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के 8 वर्ग के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। पुराने नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना गया है। विश्वविद्यालय भी ऐसी जिसमें दाखिला पाना एक दौर में दुनिया भर के छात्रों का सपना हुआ करता था। आज पुरानी नालंदा की उसी प्राचीन भव्यता और विरासत को समेटकर नई उम्मीदों के साथ नालंदा में नए युग का आगाज हो चुका है। नालंदा से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।